हेलो फ्रेंड्स, क्या कैसा आप सब लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीची इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये अपना जो 4440 वाला बोर्ड है इसके साथ अपना ये बेस टेबल वाला जो बोर्ड आता है उसको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि मतलब ये कैसा टाइप का काम करता है अपने 4440 बोर्ड के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है अपना नॉर्मल वाला बेस टेबल वॉल्यूम का बोर्ड। मतलब इसमें आप लोगों का बेस टेबल वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। और ये वाला जो बोर्ड है आप लोग इसके साइड में देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये दिया हुआ है कि इसमें आप लोगों को वॉल्यूम के साथ साथ एक वॉल्यूम बूस्टर भी मिल जाता है, मतलब कि गेन। तो उसके लिए ये थोड़ा सा लंबा बोर्ड है और ये आप लोगों को एक एडवांटेज भी दे सकता है। मतलब आप लोग मान सकते हैं जैसे ये 50-60 वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो इसमें गेन एक्टिवेट हो जाता है। तो गेन का काम क्या है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके मोबाइल से आवाज़ कम आ रहा है तो ये क्या करेगा, उतना ही आवाज़ को भेजेगा, लेकिन ये वाला जो है अपने से यहाँ से थोड़ा सा आवाज़ को और बूस्ट भी कर देगा ताकि आपके एम्पलीफायर को सफिशियंट इनपुट साउंड मिल पाए। ठीक है, तो उसका ये काम है इस वाले बोर्ड का। और मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये दोनों बोर्ड आपका आता है ऑडियो लाइट की तरफ से। अगर आप लोगों को इसको बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग ये दोनों में से कोई सा भी जो आपको पसंद है बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग ये नॉर्मल वाला बोर्ड को टेस्ट करने वाले हैं। गेन वाले का अगर डिमांड आएगा तो बाद में इसको टेस्ट करेंगे, अभी इसको साइड में कर देते हैं। तो इसका फ्रेंड्स कनेक्शन एकदम ही सिंपल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये वाला बोर्ड जो अपना बीटी बोर्ड है, बीटी बोर्ड इसको बोलते हैं या बेस टेबल कंट्रोल बोर्ड भी इसको बोल सकते हैं, मेड इन इंडिया है। थोड़ा सा इसमें धूल लग गया है। और ये इस साइड का इसमें वॉल्यूम है, ये बीच वाला इसका ट्रेबल है और इस साइड वाला ये बेस कंट्रोल है। और फ्रेंड्स इसका वायरिंग में अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे आप लोगों का 1212 का एक ट्रांसफॉर्मर लगेगा, तीनों वायर उसका। यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे इनपुट देना है। तो इनपुट अपन देंगे फ्रेंड्स अपना ये जो ऑक्स केबल है, तो इसको अपन ऐसी सीधा का सीधा कनेक्ट कर देते हैं इसके इनपुट में, है ना। और जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट अपना जाएगा ये एम्पलीफायर में, तो ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो एकदम ही सिंपल सा इसका कनेक्शन था, दो ही वायर लगने थे, दो हमने लगा दिए मेन। और यहाँ पे हमारा लगेगा 1212, तो 1212 का ये आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में लेकर के आ गया हूँ, 3 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो 1212 वाला ट्रांसफॉर्मर है उसको हमने इसके 1212 वाले पॉइंट में दे दिया सीधा सीधा। ये अपना इनपुट का वायर है और हमारा जो एम्पलीफायर है उसको हम बैटरी से चलाने वाले हैं और जो बीटी बोर्ड है वो अपना ट्रांसफॉर्मर से चलेगा। और फ्रेंड्स आप लोग अगर चाहें कि आपका जो 4440 बोर्ड है अगर वो 1212 उसमें भी लगता है तो आप लोग एक ही ट्रांसफॉर्मर से बीटी बोर्ड और 4440 दोनों को एक ही साथ चला सकते हैं एक ही ट्रांसफॉर्मर से। और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि यहां पे अच्छा क्वालिटी आए, इसलिए मैं यहां पे बैटरी यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि अपना जो ये 4440 वाला बोर्ड है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट अपने को लगाना पड़ता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को वायरिंग बताऊं कि आप लोग कैसे बेस टेबल बोर्ड और 4440 को एक ही ट्रांसफार्मर से चलाएं, तो उसके लिए कमेंट नीचे कर दीजिएगा, वो उसका भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम लोग इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा कनेक्शन हो गया है और अपना जो एम्पलीफायर है उसमें भी मैंने पावर दे दिया है और अपना ट्रांसफार्मर भी चालू है। तो अभी इसका साउंड यहाँ से अपन प्ले कर देते हैं NCS का सॉन्ग और धीरे धीरे यहाँ से बढ़ाते हैं, पहले वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी ट्रेबल, अपना जो ट्रेबल है ये ट्रेबल है और ये बेस दोनों अभी जीरो पे है। तो पहले बेस को बढ़ाते हैं, बेस खोल देते हैं पहले पूरा। देख सकते हैं फ्रेंड्स डिफरेंस अभी आप लोगों को समझ में आएगा धीरे से। ये अपना बेस का है, ये अपना ट्रेबल, we'll be right back.
फ्रेंड, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने ये बेस्ट टेबल बोर्ड को 44-40 बोर्ड के साथ टेस्ट किया, तो इस आउटपुट काफी अच्छा मिला हमको देखने के लिए, और इसमें जो है कंट्रोल वगैरह काफी अच्छे से काम कर रहे थे। और आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, 12012 से ये ऑपरेट हो जाता है आपका बेस्ट टेबल बोर्ड, और काफी अच्छे इसमें आउटपुट मिला हमको, बेस्ट टेबल वगैरह जो है काफी अच्छे से कंट्रोल हो रहा था। जो इनबिल्ट फ्रेंड्स इसमें आता है 44-40 का बोर्ड में, उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता जिसका इतना था। आप लोग इसको चाहें तो ले सकते हैं अगर आप लोगों को एकदम बेस्ट क्वालिटी साउंड चाहिए तो, क्योंकि इसमें जो इनबिल्ट आता है उसमें आप लोगों को घरघराहट वगैरह या फिर हमिंग वगैरह मिल सकता है, तो इसलिए मैंने भी इसके साथ जो आता है उसको निकाल दिया था। आप लोग चाहें तो ये वाला बेस्ट टेबल बोर्ड अलग से लगा करके यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वालिटी में ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बेस्ट ट्रेबल बोर्ड आप लोगों को कैसा लगा, और गेन वाला भी हमको इसके साथ टेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा इसी बेस्ट टेबल बोर्ड में ही जो है हम 50% से ऊपर जा रहे थे, तो आवाज जो है खराब हो जा रहा था क्योंकि वो 44-40 के कैपेसिटी के बाहर जा रहा था। तो आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, मैं उसके साथ भी गेन वाले के साथ भी टेस्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।